सबका स्वागत है। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। महाराष्ट्र के नागपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नागपुर में कल दोपहर के समय में महसूस किए गए भूकंप के झटके। नागपुर के बेल तरोड़ी इलाके में कल दोपहर अचानक लोगों को अपने अपने घरों और दुकानों में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। सबसे पहला झटका 1:39 पर 1.4 तीव्रता का महसूस किया गया। दूसरा झटका 2:38 पर, जबकि तीसरा झटका दोपहर 2:41 पर 1.2 तीव्रता का महसूस किया गया। मौसम विज्ञान विभाग के प्रादेशिक उपसंचालक M.L. साहू के अनुसार भूकंप की तीव्रता बहुत कम होने से उसके केंद्र का पता नहीं चल पाया, मगर भूकंप का केंद्र नागपुर के 20 किलोमीटर के दायरे में होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अभी इसकी जांच की जा रही है। पूर्व विदर्भ में पेयजल आपूर्ति के मामले में सबसे महत्वपूर्ण वैनगंगा नदी का पानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो रहा है। वैनगंगा के जांच के लिए 1002 नमूनों में 293 नमूने पीने योग्य नहीं पाए गए हैं। वैनगंगा का पानी इतना दूषित हो गया कि इस पानी से कैंसर को खुला निमंत्रण मिल रहा है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से मान्यता प्राप्त इनाकॉन लेबोरेटरीज की अध्ययन रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। धर्म की प्यास बुझाने वाली गोसी खुर्द बांध का निर्माण किया है, जिससे उसका प्रभाव रुक गया है। इसी गोसी खुर्द बांध में नागपुर की नाग नदी का मलिन पानी वैनगंगा में मिलने नदी का प्रदूषण स्तर बढ़ गया है, जिससे वैनगंगा का पूरा पानी दूषित हो गया है। इस पानी में कैडमियम जस्ता जैसी वातु की मात्रा अधिक होने से किडनी व अन्य अंगों के रोग बढ़ने लगते हैं। इसी के साथ कैंसर की संभावना भी बढ़ जाती है। वैनगंगा के प्रदूषण का मुद्दा कई बार उठाया गया है। इसे लेकर सामाजिक संस्थाओं की ओर से कई प्रदर्शन भी किए गए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी उपाय योजना पर अमल नहीं हो पाया है। कोरोना का खौफ लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। लोगों में इसे लेकर दहशत का माहौल है। इसे देखते हुए विदर्भ में वन विभाग ने जिला स्वास्थ्य अधिकारियों से जंगल की सैर करने आयो पर्यटकों की भी कोरोना की जांच करने की मांग की है। हालांकि अभी थर्मल स्कैनिंग मशीन देने को लेकर संबंधित अधिकारियों का जवाब नहीं आया है, लेकिन देश में कोरोना का खौफ देखते हुए जल्द ही वन विभाग को मशीन उपलब्ध कराई जा सकती है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज़ लाइव के साथ। धन्यवाद।